अगर अच्छी फिल्म आएगी और अगर पब्लिक को पसंद आएगी तो थिएटर में लोग जरूर आएंगे। मेरा फितरत मत बदल दीजिए। बट बॉलीवुड की मूवी को लोग बायकॉट करते जा रहे हैं और साउथ की मूवी आगे बढ़ते जा रही है, तो इस पे आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि अगर अच्छी फिल्म आएगी और अगर पब्लिक को पसंद आएगी तो थिएटर में लोग जरूर आएंगे। हमको ऐसी चीजों का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। जहां तक साउथ इंडियन फिल्म्स हैं, मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता दूं कि बाहुबली 1, बाहुबली 2, RRR, पुष्पा, KGF 1 और 2, ये फिल्में चली हैं जो हिंदी फिल्म के एक्टरों से ज्यादा कमाई है। ये सिर्फ 6 फिल्में चली हैं, इसे हम पैटर्न नहीं कह सकते। अच्छी फिल्में आएंगी तो जरूर चलेंगी और मुझे लगता है कि कोविड के बाद लोगों का पसंद चेंज हो चुका है, उनकी अवेयरनेस चेंज हो चुकी है, दुनिया भर के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनके लायक जब भी आप कंटेंट करोगे हम जीत जाएंगे। जितने भी फिल्म्स अभी आ रहे हैं मुझे लगता है कि उनको थोड़ा प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा बस। माधवन सर, योर सेंटर राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। जैसा कि आपने कुछ देर पहले कहा कि आप जो भी फिल्में करते हैं कमाल के होते हैं फिल्में, इसके पीछे एक ही वजह होती है कि आप एक फिल्म को ज्यादा से ज्यादा वक्त देते हैं सर। जैसा आप साल में 5-6 फिल्में नहीं करते हैं, एक फिल्म के पीछे बहुत टाइम देते हैं, और दूसरी तरफ आपके फैंस चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा फिल्में करें, दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं आप? भाई साहब, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे सारी फिल्म कमाल के हैं, मैंने कहा कि मेरे रोल्स अलग हैं। मेरा फितरत मत बदल दीजिए। बट नहीं, आप जो कह रहे हो मैं उसके लिए बहुत खुश शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगता है कि सच तो ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं, खुशहाली जी हैं, दर्शन साहब हैं, सब कोई